सुबह सुबह इतनी बेहद बुरी खबर कि साथियों सड़कों पर ऐसे लाशों का ढेर लग गया, जहां पर देखे थे साथियों मौत ही मौत, जहां पर देखे तो साथियों लाश ही लाश। ये ऐसी बेहद दर्दनाक खबर निकल कर सामने आ रही है, बेहद दर्दनाक खबर है, जिसमें अब तक बात करें दोस्तों 75 की मौत हो गई है, यहाँ तक की बात करें दोस्तों और जिनमें 45 अलग से मौत हो गई। अब तक दोस्तों लगातार इतनी बेहद बुरी खबर सुबह सुबह आई है, जो साथियों राजस्थान से बूंदी ज़िले से निकल कर सब ज़्यादा आ रही है। इस बार साथियों लगातार आप सभी को पता है कि जिस प्रकार देश दुनिया आफत में है, क्यों साथियों लगातार बारिश बोरस का दुरुचारू है, बादल बारिश से ज़्यादा बिजलियाँ गिरा रहा है। बूंदी प्रदेश में उन ज़िलों में शुमार है जहाँ सबसे ज़्यादा बिजलियाँ गिरती हैं और लोग पशुओं की जान जाती है। यहाँ बता दें कि बेमौसम भी बिजलियाँ गिरती रहती हैं। इस बार जहाँ भी बरसात होती है वहीं से बिजली गिरने से जान माल के नुकसान की खबर आ रही है। 1 जुलाई से अब तक 28 जगह बिजलियाँ गिरने की सूचना है, इनमें 15 जगह लोग जानवरों पर गिरी और 5 लोगों की मौत हुई है। अब तक बात करें 70 से ज़्यादा भेड़ बकरियाँ गाय भैंसों की मौत हुई है, वहीं अब तक बात करें 35 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक बिजली गिरने से। अभी तो मानसून की शुरुआत है, रोहतक ज़िले में हर मानसून सीजन में 300 से ज़्यादा जगह बिजलियाँ गिरती हैं। बूंदी ज़िले में बिजलियाँ गिरने के प्रमुख वजह पर्वतों की श्रृंखलाएँ, ज़्यादा पानी, भरपूर गर्मी। ज़्यादा पानी से गर्मी की वजह से ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, वाष्प पहाड़ों से टकराकर ठंडी होती है तो बादल बनते हैं और विद्युतीय डिस्चार्ज ज़्यादा।